हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट बुक का अंतिम भाग कंप्यूटर। जी हाँ, इसी के साथ इस बुक में जो भी पेजेस थे, जो भी सब्जेक्ट थे, वो सभी हमने काफ़ी ईमानदारी के साथ पूरा करा। कभी कभी थोड़ा बहुत हम सब परिवार के बीच में उतार चढ़ाव चले, जैसे कि आप जानते हैं। पार्ट 9 में मैंने डिमांड रखी कि मुझे इस बुक का PDF स्कैन चाहिए। कुछ बच्चों के कमेंट्स ये रहे, सर PDF स्कैन करने का हमको आप क्या पे करोगे। कुछ लोगों ने दिन रात करके स्कैन भेजा, लेकिन वो क्वालिटी सही नहीं आई। मैंने उनको मना करा कि इस क्वालिटी के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग साफ नहीं आ पाएगी। तो जो पुराने सब्सक्राइबर हैं इस सिलसिले को अच्छे से जानते होंगे। फिर फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं खुद स्कैन करूंगा और खुद रिकॉर्डिंग करूंगा, खुद हाईलाइट करूंगा। तो फाइनली बहुत कम समय में आपने देखा होगा कि ये बुक ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है। मतलब अब आज ही इसका अंतिम भाग है। इस बुक का कंप्लीट पैकअप एक तरह से हो चुका है, और आपने ये बुक मार्केट से परचेज करके इसको हाईलाइट करा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और अगर जो बच्चे फाइनेंशियल काफ़ी वीक हैं, तो शायद वो लोगों ने इस बुक का अच्छी तरीके से नोट्स बनाया होगा। अगर आपने नोट्स भी नहीं बनाए हैं, आपने बुक भी परचेज नहीं करी है, हाईलाइट भी नहीं करा है, तो फिर तैयारी में कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस आ सकती है। अकॉर्डिंग टू मी, आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में बात बहुत अधिक हुई, और मेरा एक छोटा सा एक प्लान है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइव स्ट्रीम करके इसमें से एक सरप्राइज कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड आपसे मैं पूछूँ। जी हाँ, जिससे कि ये चलेगा पता कि कितने सब्सक्राइबर एक्टिव हैं और कितने स्टूडेंट काफ़ी सीरियस तरीके से उन्होंने इस बुक को ख़त्म करा है। डिमांड तो मेरे पास रेगुलर आती रही कि सर अगला पार्ट कब। अब जरा मैं भी तो देखूँ कि आपने कितना पढ़ा। ये तो नहीं कि बस सेव कर लिया वीडियो को, बस छोड़ दिया, नहीं करा उसका रिविज़न, नहीं बनाए नोट्स, नहीं करा उसको हाईलाइट। तो मैं भी एक लाइव मतलब कि एक स्ट्रीम करने जा रहा हूँ इस बुक से संबंधित। मैं आपसे कम से कम 20 क्वेश्चंस पूछूंगा पूरी बुक से कंप्लीट करके, फिर आप देखना कि आपका स्कोर क्या आता है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आज के इस वीडियो में। कंप्यूटर सेक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है। SSC खैर क्वेश्चंस नहीं पूछती है, और बाकी जो एग्जाम है कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या होती है, किसकी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बात मैं करता हूँ आपसे हार्डवेयर के बारे में। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर क्या होती है, कौन से युग में आया वगैरह वगैरह, ये आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं केवल सिलेक्टेड चीज़ें ही आपको करवा रहा हूँ। देखिए हार्डवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर और उसमें संलग्न सभी यंत्रों एवं उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। जिसे हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसे हम टच नहीं कर सकते वो सिंपल सी बात है, वो है सॉफ्टवेयर। अब देखिए कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। एक होती है आपकी मशीन कोड लैंग्वेज। इस भाषा में प्रत्येक आदेश के दो भाग होते हैं, एक होते हैं ऑपरेशन कोड, सेकेंड होता है आपका लोकेशन कोड, कहाँ से ऑपरेशन दिया गया है और कहाँ पर उसकी लोकेशन रखी गई है, तो इसको बोलते हैं मशीनरी कोड। और असेंबली लैंग्वेज होती है कि कोड को असेंबल करना, किसी के भी सामने इस तरीके से प्रेजेंट करना कि जो उसको वो आसानी से रीड कर सके, तो इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए फोर्टन क्या होता है। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से हुआ था। फोर्टन का आविष्कार किसने करा था, ये एक लैंग्वेज है। फोर्टन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, तो ये है एक लैंग्वेज, एक भाषा। और इसका विकास किसने करा था, इसका विकास करा था IBM ने, कब करा था, 1957 में। बात करते हैं कोबोल की। कोबोल क्या है, कोबोल एक भाषा है, और कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। पास्कल, यह अलगोल का परिवर्धित रूप है, और इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह अलगोल एवं बेसिक से भिन्न है। फिर हम बात करते हैं CPU। CPU की फुल फॉर्म नीचे डिस्कस करेंगे हम लोग। और CPU देखिए यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। एग्जाम में ग्रेड D के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस ये पूछता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है CPU को। फिर हम बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। एक्चुअली मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड यह एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक भाग प्लग होते हैं, सारी वायर जो कनेक्ट होती है वो जाकर के मदरबोर्ड में ही होती हैं, और CPU RAM आदि यूनिट जो होती है मदरबोर्ड में ही जाकर के अटैच हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं CD-ROM। CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क।
छोटे से आकार में होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों को सेव कर लेता है, सीडी रोम। ठीक है, सीडी रोम में क्या इंसर्ट होती है, सीडी। फिर हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण को कीबोर्ड कहते हैं। मैक्सिमम इसमें कितनी की होती है, की तो अब बढ़ती जा रही है डे बाय डे, लेकिन स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड में की होती है वो होती है 101। फिर हम बात करते हैं मॉनिटर के बारे में कि इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जाता है। जो आप स्क्रीन पे देखते हैं मॉनिटर क्या होता है आपको ये पता होगा। अच्छे रंगीन मॉनिटर को 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ एवं गहराई के साथ होती है। डॉट पेज पर जितने कम नंबर होंगे स्क्रीन किस प्रकार की दिखाई देगी, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, स्क्रीन आपको बिल्कुल साफ सुथरी क्लीन एचडी स्क्रीन दिखाई देगी आपको। प्रिंटर, प्रिंटर आपको पता है, देखिए इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को एक कागज पर प्रिंटिंग करी जा सकती है उसकी। अब देखिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ खास बातें, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी 1946 में। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, ये आई थी 1960 में। फिर हम बात करते हैं, देखिए भारत में नए कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 नवंबर में की गई थी। भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। देखिए बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर स्थापित हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कौन से डिपार्टमेंट में हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया। जी हाँ, रियल में ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपको इसके बारे में शायद पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो इसको पेन डाउन मत करिएगा, इसको डायरेक्ट अपने माइंड में परमानेंट मार्कर से लिख लीजिए, डाकघर। फिर डायरेक्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि भारत की सिलिकॉन घाटी किसको बोलते हैं, सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, घाटी या वैली कुछ भी यूज कर सकता है, तो यह है आपका बेंगलोर। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। www.com, जी हाँ, जो हम अपने एड्रेस बार में जब नेट यूज़ करते हैं वहाँ पे जब इसका इस्तेमाल हम देखते हैं, कई बार के मैक्सिमम बार इसका ही इस्तेमाल होता है, www लिखा हुआ आता है, तो इसका आविष्कार किसने करा था, इसका आविष्कार करा था टिम बर्नर्स-ली ने। अब देखिए कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसका नाम क्या, उसका नाम है बिट। और बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्दों, शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। और एनालॉग तथा एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, डिजिटल एनालॉग के संयुक्त स्वरूप को किस नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, तो वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, याद रखना हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें हम बात करते हैं ENIAC की। देखिए वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, तो वो था आपका ENIAC बोलते हैं इसको, ENIAC देता है एग्जाम में, यह के बाद आकर अंडा जरूर लगा देता है कभी कभी एग्जाम में, तो अब याद रखना। और इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली फर्स्ट जो भारतीय समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, उसका नाम था द हिंदू। जो ऑनलाइन हमको न्यूज़पेपर मिला था नेट पर उसका नाम था द हिंदू। और इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली फर्स्ट भारतीय जो मैगजीन जो थी उसका नाम था इंडिया टूडे, जो हमको नेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है आज भी। अब देखिए आर्क का विकास किसने करा था, तो ये करा था मैकगिल यूनिवर्सिटी ने। और उसके बाद हम बात करते हैं कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। और 1 MB 1024 MB के इक्वल होता है, और 1 GB 1024 MB के इक्वल होता है। और 1024 GB कितना होता है, 1 TB 1 TB के। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो फिर याद ही है, फिर रखने की जरूरत क्या है। अब देखिए प्रथम घरेलू कंप्यूटर कैमेडोर VIC/20 है। और वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा है, याद रखना एग्जाम में, और बात कर रहा है वर्ल्ड की, तो उसका नाम है यूनीवेग। अब देखिए कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HLL अंग्रेजी भाषा के समान है। और माइक्रो प्रोसेसर किस टाइप की, कौन सी जनरेशन का ये कंप्यूटर है, तो ये है आपका 4th जनरेशन का। अब देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट पर चिप जो लगी होती है, तो इस पर सिलिकॉन की परत होती है, किसकी परत होती है, सिलिकॉन की परत होती है। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं बग, क्या बोलते हैं, बग। अब देखिए कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को
सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। तो कंप्यूटर पर जो भी परमाणु परीक्षण होते हैं उसको किस नाम से पुकारा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है, तो वो है आपका सब क्रिटिकल परीक्षण। अब हम बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। ALU की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है आपका अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर हम बात करते हैं डॉस के बारे में। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड DTS डेस्कटॉप सिस्टम, DTP डेस्कटॉप पब्लिशर पब्लिशिंग, ठीक है। फैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फार अवे जीरोक्स, मतलब फैक्स मशीन जो आप करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी क्या आती है, बिल्कुल जीरोक्स पहुंच जाती है, जो काफी फार अवे मतलब बहुत दूर जो जीरोक्स की मशीन लगती है उस पर। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जो जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है। एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आपको कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स, MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मॉडम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। फिर हम बात करते हैं OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चों के इस बुक को लेके बीच बीच में कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें, नई ट्रेन अब ये हो चुकी है सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन, या फिर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बस केवल लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये चीज चेंजेस हुए हैं। अब चेंजेस रोज होते हैं, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप यहाँ पे वीडियो वॉच कर रहे हैं, GS में क्या पता कुछ चेंज वहाँ पे नया बन रहा हो। तो ये बुक ओल्ड नहीं है, ये बुक न्यू बुक है जिसमें मैंने कम्प्लीटली पूरी वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट करी। अब एक आध लाइनों की वजह से दोबारा एक नई जो आप बुक बता रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट बुक ला करके दोबारा स्कैन करना रिकॉर्डिंग करना, तो लगता है कि पूरा दिन पूरा साल पूरा जीवन बस रिकॉर्डिंग में स्कैन में रिकॉर्डिंग में खर्च हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मैनेज आप भी करिए, एक आध लाइनों से ऐसा नहीं कि पूरी बुक खराब हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो खराब हो गई सबके सब, एक आध लाइनों में चेंज हुआ है। मुझको पता है कि नए अपडेशन आते रहता है, तो मैंने कुछ शायद एक आध साल पहले का अपडेशन आपको इस रिकॉर्डिंग में कराया, बट ज़्यादा नहीं है ऐसा, बहुत कम ही है ऐसा, ठीक है। एक आध लाइन का हेर फेर होगा पूरी बुक में, तो फिर भी ठीक है, डरने का नहीं बिल्कुल भी। कंटिन्यू अपना पढ़िए, रिविजन करिए मैक्सिमम, अपने आप पे विश्वास बनाए रखिए। और मैं जो अब ये आपका लाइव स्ट्रीम करने जा रहा हूँ, मुझको बताइए कि कौन कौन से बच्चे इसमें रेडी हैं इस लाइव स्ट्रीम को अटेम्प्ट करने के लिए, उसी के हिसाब से मैं अपना लाइव स्ट्रीम करूंगा। अगर लगता है कि आप बस टाइम नहीं है, आपको ये प्रेजेंट नहीं करना है कि आपको कितना पता है आपने कितने ढंग से पढ़ा है, ये लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छा माध्यम है आपके लिए, जिससे कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैंने वीडियो को कितने ध्यान से देखा, मैंने रिवीजन कितना करा। मैंने हर वीडियो में रिवीजन को लेकर बहुत फोर्स करा कि रिवीजन करिए रिवीजन करिए रिवीजन करिए, बुक को मार्केट से परचेस कर लीजिए, हाईलाइट करिए, हर वीडियो में मैंने बोला है। अब जरा मैं भी चेक करूँ आप लोगों की आपने कितने ईमानदारी से पढ़ा है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए फेसबुक या भी व्हाट्सएप पे प्लीज़, ठीक है। शेयर करिए, आप भी पढ़िए, औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ये बुक पूरी तरह से आज समाप्त हो चुकी है, जी हाँ पूरी की पूरी बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।